Hello everyone, thank you so much for coming here to watch this session with me. My name is Mohit. और आज के इस session में, I am going to tell you some common patterns of the sentences. That means, मैं आप लोगों को कुछ ऐसे pattern, ऐसे कुछ small sentence बताने वाला हूँ, जो आप off and on अपने daily routine में बोल सकते हैं, और ये कुछ ऐसे common पैटर्न है कि आप इनको कई बार कई जगह पर यूज कर सकते हैं राइट जब हम किसी से कोई बात कर रहे होते हैं नो मैटर व्हाट लाइक हम हिंदी में किसी से बात कर रहे हैं सो हम वहां पर भी बीच बीच में इन पैटर्न्स को यूज करके बार बार अपना अपने कॉन्फिडेंस को इंग्लिश को लेकर बढ़ा सकते हैं राइट कि हम इंग्लिश बोल सकते हैं ये हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर हम बीच बीच में हिंदी में कुछ जनरली जो सेंटेंसेस होते हैं उनको यूज करें और ये जो मैं आपको आज कुछ पैटर्न बताने वाला हूं दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू डू दैट राइट सो आर यू रेडी आई एम श्योर यू मस्ट बी सो गेट रेडी विद योर पेन एंड पेपर जो भी आप लोगों ने नोटबुक बनाई हुई है इस चैनल के लिए सो आर यू रेडी आई एम श्योर यू आर ठीक है सो जो पहला पैटर्न आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज व्हाट डू यू माइंड इसका क्या मतलब है मतलब किसी से आप कहने वाले हैं कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं ये कर लूं अब आगे आपको वो सेंटेंस को जोड़ना है राइट डू यू माइंड आप डू यू माइंड की जगह वुड यू माइंड भी कह सकते हैं डू यू माइंड की जगह आप क्या कह सकते हैं वुड यू माइंड मतलब आपको बुरा तो नहीं लगेगा अब मैं यहां पे सेंटेंस बता देता हूं कैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं राइट फॉर एग्जाम्पल यू से Do you mind if I open the door? Right? Do you mind if I open the door? आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं door खोल देता हूं तो So, do you mind if I open the door? आप ये भी कह सकते हैं Would you mind if I open the door? एक दो सेंटेंस और बताता हूं मैं आप वही पैटर्न यूज कर लीजिए Do you mind? If I come late, right? Somebody is asking you to come at some particular time, but आप कह रहे हो, do you mind if I come late? मतलब थोड़ा सा मैं late हो सकता हूँ या हो जाऊँगा, so do you mind if I come late? तो आप इसे ऐसे भी use कर सकते हैं. Next और क्या? मैं would कर लेता हूँ use. Would you mind if I take your pen. आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपसे आपका पेन ले लू राइट ये क्वेश्चन है तो बाद में आप क्वेश्चन मार्क लगा दो राइट वुड यू माइंड इफ आई टेक यूर पेन डू यू माइंड इफ आई कम लेट डू यू माइंड इफ आई ओपन द डोर राइट सो इस तरीके से आप लोग इस पैटर्न का यूज कर सकते हैं किसी से आप ये कह रहे हैं आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं ये कर लूं तो राइट सो लेट्स गो अहेड डू यू माइंड इफ आई गो टू द नेक्स्ट वन आई एम श्योर यू डोंट चलिए आप लोग इन सेंटेंसेस को उतार लीजिए तीनों को जो मैंने आप लोगों के यहाँ पे सामने लिखे हुए हैं रब मीन्स पॉज द वीडियो हियर एंड राइट दीज डाउन और फिर आप लोग भी इसी पैटर्न पर कई सारे सेंटेंसेस बनाकर देखिए नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पैटर्न आई एम गोइंग टू रब इट नेक्स्ट पैटर्न क्या है कैन यू रीड दैट यस दैट इज व्हाट इफ ब्यूटीफुल पैटर्न दिस इज व्हाट इफ अगर ये हुआ तो क्या अगर ये हुआ तो क्या इसे आप कई बार यूज कर सकते हैं राइट व्हाट इफ ही कम्स हियर क्या होगा अगर वो यहां आ जाए व्हाट इफ टाइगर अटैक्स यू आप एक लाइक यू आर ऑन अ ट्रिप इन अ फॉरेस्ट एंड देयर यू से व्हाट इफ टाइगर कम्स इन अटैक्स अस क्या हो अगर यहाँ पे टाइगर आ जाए अटैक कर दे हमें या व्हाट इफ लाइक आप लोग जा रहे हैं ऑन द वे एंड यू से व्हाट इफ इट रेन्स वी शुड कैरी एन अम्ब्रेला हमें एक अम्ब्रेला साथ में ले लेना चाहिए क्या हो कि अगर बारिश होने लग गई तो व्हाट इफ इट रेन्स राइट व्हाट इफ यू लूज द मैच क्या हो अगर तुमने ये मैच लूज कर दिया तो ऐसे मतलब ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप किसका यूज करेंगे व्हाट इफ का सो आई एम गोइंग टू मेक सेंटेंसेस ये मैं आपको बता चुका हूं नाउ दिस वन व्हाट इफ सो सेंटेंस विल बी व्हाट इफ
I don't come. Right? There is a party of your friends and you say, what if I don't come? Kya ho agar main na aaun to? Okay? So this is what if I don't come? Aur sentence bana deta hun. What if she comes late? Kya ho agar wo late aaye to? What if she comes late? One more sentence. What if I don't return soon? Kya ho agar main jaldi wapas na aaun to? What if I don't return soon? So, aap log what if kai baar use kar sakte hain. Now, pause the video and write these sentences. Okay? I'm going to run. Aapke do pattern ho gaye hain. I'm sure aap logon ne seekhe honge, samjhe honge, try to make sentence. Now, third pattern. What is the use of? What is the use of? Isse kai baar aap din bhar mein use kar sakte hain. What's the use of? Okay? इसका क्या फायदा? इसका मतलब क्या है इस पैटर्न का? इसका क्या फायदा? What's the use of going now? Suppose like you were ready or you were supposed to watch a movie and it was scheduled to be at 5 o'clock, 5 p.m. in the evening, 5 p.m. So but now it's already 6 or 6:30. So somebody says, what's the use of going to watch cinema now? It's already 6:30. Well, great, right? हमें already देर हो चुकी है. So what's the use of going there? So, आप जब कहते हैं कि इसका आप क्या फायदा, आप इस पैटर्न को बार बार यूज कर सकते हैं. व्हाट्स द यूज ऑफ, व्हाट्स द यूज ऑफ. मैं एक दो सेंटेंस यहां पे आपके लिए बता देता हूं. व्हाट्स द यूज ऑफ क्राइंग नाउ. अब रोने का क्या फायदा? व्हाट्स द यूज ऑफ क्राइंग नाउ. व्हाट्स द यूज ऑफ saying sorry, right? Sorry कहने का क्या फायदा? आप now लगा सकते हैं. What's the use of saying sorry now? One more sentence. What's the use of driving fast now? अब कार को तेज चलाने का क्या फायदा? What's the use of driving fast now? Right? अब तेज चलाने का मतलब we are already late. ठीक है, तो इस सेंटेंसेस को आप लोग उतार ले, पॉज द वीडियो हियर, राइट दिस डाउन एंड ट्राई टू मेक सेंटेंसेस. आप भी कई सारे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिए, देन ओनली यू कैन हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर दीज पैटर्न्स. अब चलते हैं नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, एंड दैट इज व्हाट, हमने तीन कर लिए. इट इज ऑन द टिप ऑफ माई टंग. इसे आप यूज कर सकते हैं. जैसे आपसे कोई नाम पूछता है किसी पर्टिकुलर मूवी का और आपको वो याद नहीं आती है. बस मतलब पता है आपको, आपने कई बार मूवी देखी है बट आपको याद नहीं आ रही थी. यू आर नॉट एबल टू रिकॉल इट एट दैट पर्टिकुलर टाइम. सो यू वुड से, ओ यार जस्ट वेट अ मिनट, इट्स टिप ऑफ ऑन माय टंग, राइट? इट इज ऑन द टिप ऑफ माय टंग. इट इज ऑन द टिप ऑफ माय टंग. जस्ट वेट अ मिनट, एक मिनट, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. इट इज ऑन द टिप ऑफ माय टंग. बस आने ही वाली है मुझे याद. ओके, सो इसे आप कई बार यूज कर सकते हैं. इट इज ऑन द टिप ऑफ माय टंग. किसी के लिए भी somebody ask you address, तो आप कह सकते हैं इट्स ऑन द टिप ऑफ माय टंग. जो भी आपसे पूछेगा और आपको याद नहीं आ रहा है फॉर द टाइम बीइंग, बट आपको याद लगता है कि आपको याद आने वाला है, कहते ना बस यार जीप पे यार ये बात बस बताने वाला हूं तुझे. सो दिस इज हाउ, इट्स ऑन द टिप ऑफ माय टंग. तो इसमें सेंटेंस की तो जरूरत है नहीं, बिकॉज इट इज इटसेल्फ अ सेंटेंस, बट आपको जो भी सिचुएशन के लिए वो यूज करना है उस हिसाब से. ठीक है, सो इट इज ऑन द टिप ऑफ माय टंग. नाउ नंबर फिफ्थ वन, हाउ लॉन्ग डज इट टेक. हम कई बार पूछते हैं कि भाई इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लग जाता है. ओके, या इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगेगा, या इंग्लिश सीखने में तुम्हें कितना टाइम लगा. कुछ भी यहाँ पे सेंटेंस का पर्टिकुलर जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाएगी, बट पैटर्न ये रहेगा. जैसे यहां से आगरा जाने में कितना समय लगता है, ठीक है, आपसे कोई पूछे, या कोई कहे कि भाई एक अच्छा डॉक्टर बनने में कितना समय लगता है, तो कोई आपसे इस समय को लेकर कि कितना समय लगता है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, ये इस सेंस में आपसे कोई कुछ पूछ रहा है. सो आप इस पैटर्न को वहां पर यूज करेंगे. हाउ लॉन्ग डज इट टेक. मैं एक दो सेंटेंसेस बता देता हूं. हाउ लॉन्ग
how long does it take to learn English? ये भी कह सकता है कोई, how long will it take, ये आपका फ्यूचर में चला गया, how long will it take to reach आगरा, आगरा जाने में कितना समय लग जाएगा, ठीक है? So आप इस तरीके से कई सारे sentences बना सकते हैं, how long does it take, यानी कि इस pattern को लेकर, ठीक है? Are you clear with this? Right. Now the last one for the day, that is sixth one, no wonder. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसे मैं मिटा देता हूँ. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, no wonder, okay? Like you say someone, you like somebody says that hey, I have got the first position in my class. So you say no wonder you studied hard. कोई आश्चर्य की बात नहीं, it's not surprising. इसका क्या मतलब है no wonder का? It is not surprising. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है. आप मेहनत की, आपने आप बहुत मेहनत से पढ़ते थे, so obviously you definitely would get the position. So you got the position, no wonder. या कोई बहुत ज़्यादा खाता है and you just go to him and say कि you are fat, no what? Sorry, you eat a lot, no wonder you are fat. Okay? So no wonder means what? It is not surprising. No wonder. Okay? He is very lazy. No wonder he will definitely come late. वो बहुत आलसी है. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वो देरी से आएगा. No wonder. So this is how you use the sentences. तो इन patterns को हम कैसे use करते हैं? इनका क्या meaning है? That I have told you. But now guys, you requested to make a lot of sentences with these patterns because until or unless you take your pen up, write the sentences down, try to make lot of more sentences on these. कोई फायदा नहीं है मेरे समझाने का और आपके समझने का. क्यों? क्योंकि आपको करना है, आपको करने से आपको आएगा, मेरे करने से मुझे आए, right? You have to do to get a command on these patterns. But make sure, मतलब this is I'm making this sure here कि अगर आप इन पैटर्न को कर लेते तो बीच बीच में आप कई बार इनको यूज कर सकते हैं और ये यूज करने मतलब बड़े आसान भी हैं, okay? So I'm sure आप ऐसा करेंगे. Now allow me to go everyone, I'll be coming soon to discuss some other part of English. तब तक के लिए thank you and Jai Hind.